हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है लॉजिक साइंस स्टडी पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मैथ का एक प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को जरूर आप जो है सो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपको NTPC CBT 1 में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पेंसिल का 1/8 भाग काला है, ठीक है, 1/8 भाग काला है, शेष पेंसिल का आधा भाग क्या है पीला, और पेंसिल का शेष 3.2 सेंटीमीटर भाग क्या है नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए, इसका फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना कि यदि किसी पेंसिल का 1/8 भाग काला है, ठीक है, और शेष पेंसिल का आधा भाग, तो मान के लिए 1/8 है, 1/8 का जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद हो गया आपका 1/8 और 1/2, ठीक है, ये कह रहा है ना आधा भाग। तो मान के चलिए कि दोनों फ्रैक्शन का, ये दोनों का नीचे जो हर जो है इसका मल्टीपल हम ले लेते हैं कि शेष मतलब पेंसिल की कुल लंबाई जो है सो 16, ठीक है। तो कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई पेंसिल का जो है सो मान लेते हैं कि 16 यूनिट, ठीक है, यूनिट में मान लेते हैं 16 यूनिट है, ठीक है। तो क्वेश्चन करें कि यदि किसी पेंसिल का 1/8 भाग काला है, तो मान के चलिए कि जो काला वाला भाग कितना हो जाएगा, काला वाला भाग, तो काला वाला भाग जो हो जाएगा आपका 1/8, तो 1/16 का 16 यूनिट का 1/8 भाग, 1/8 भाग कितना हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट। उसके बाद शेष पेंसिल का, यानी 2 यूनिट हो गया तो शेष कितना बचेगा, कुछ कुल 16 है ना, तो 16 में से 2 गया था, कितना बचेगा 14 बचेगा, तो 14 का शेष पेंसिल का आधा भाग पीला है, तो पीला कितना हो जाएगा बताइए, तो पीला जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 14 का 1/2, ठीक है, कर रहा है ना आधा भाग, तो 14 का 1/2 कितना हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 7 यूनिट। उसका क्या, पेंसिल का शेष 3.2 सेंटीमीटर लंबा है, तो 14 7, ये हो गया 7 यूनिट, ये पीला हो गया, तो शेष कितना बचेगा 7 यूनिट बचेगा, ठीक है, तो 7 यूनिट जो बचा, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, ये 3.2 सेंटीमीटर, यानी 7/2 सेंटीमीटर के जो है सो बराबर हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना कुल यूनिट माने कितना है, 16 यूनिट माने है ना, तो 16 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 16 यूनिट, 16 यूनिट का वैल्यू 1/2 को 16 से गुना कर दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 2/16 यानी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका जो है उत्तर हो गया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो इसी तरह से जो आपको जरूर उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह का प्रश्न मैं आपको जरूर करवाता रहूँगा और छोटा छोटा वीडियो आपको जरूर मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो की ओर।